और जिस तरह से उनको छोड़ना पड़ा है, ये एक तरह से भारत की जीत है। और आतंकवाद के खिलाफ जो पूरे तौर पर जो अभियान है उसके प्रति पूरे दुनिया का जन समर्थन का वो परिचय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिनंदन की वापसी को भारत की कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो अच्छा काम कर रहे हैं। के खिलाफ जो पूरे देश में एक एकजुटता है और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसके लिए हर प्रकार से और पूरी शक्ति और मजबूती से अपना काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे सेना के लोगों ने, एयरफोर्स ने, सब ने काम किया है, तो जो आतंकवाद के खिलाफ जो संघर्ष है आप समझ लीजिए, ये अब दुनिया भर में इसको समर्थन मिल रहा है। और जिस तरह से उनको छोड़ना पड़ा है, ये एक तरह से भारत की जीत है। और आतंकवाद के खिलाफ जो पूरे तौर पर जो अभियान है उसके प्रति पूरे दुनिया का जन समर्थन का वो परिचय है। भारत की इस कूटनीतिक जीत से नीतीश कुमार भी गदगद नजर आए। उनसे मीडिया ने जब भी सवाल पूछा, वो लगातार इस बात की तारीफ करते नजर आए कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। उन्होंने पीएम मोदी के काम की भी सराहना की, इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खात्मे पर भी जोर दिया। न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर और दूसरे मुल्कों का भी, पूरे दुनिया का जबरदस्त समर्थन भारत को मिला है। और अंततोगत्वा आप समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है, उनको तुरंत लौटाना पड़ा है। तो ये आप समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में इस बात को लेकर है कि जो आतंकवाद है इसको खत्म करना है, और ये एक तरह से भारत की जीत है। जाहिर है अभिनंदन की देश वापसी देश के लिए खुशी की बात है। बिहार में जगह जगह जश्न का माहौल है। अभिनंदन की देश वापसी की खबर से हर कोई खुश है और पूरा देश भारत की जीत पर जश्न के माहौल में डूबा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बंदी बनाए जाने के बाद करीब 56 घंटे बाद भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हुई। उनके देश वापसी का पूरा देश इंतजार कर रहा था। वहीं वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का स्वागत करने लोगों का भारी हुजूम उड़ा। पाकिस्तानी कब्जे में जाने के 56 घंटे बाद अभिनंदन को पाकिस्तान ने लौटाया और अब हमारा वीर सपूत हमारे बीच है। लेकिन ये भारत के वीर पुत्र के शौर्य और भारत की ताकत और पराक्रम की जीत है। आपको बता दें कि पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ तो हमारी वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर पाकिस्तान के बालाकोट और पीओके के आतंकी ठिकानों पर कहर बरपा दिया। भारतीय एक्शन से बौखलाया हुआ पाकिस्तान जवाब देने के लिए अगले ही दिन भारत में घुस आया था, जिसके बाद ये तमाम बवाल हुआ। पटना से सुजीत कुमार झा, बिहार तक।